जमा करवाया हुआ था अभी मैं रामू का लिया। सालन अपना देख लेते हैं निहारी को, माशाल्लाह जी देखो निहारी आ गई है। जब हमने पहले जो है शुरू में निहारी को ज्यादा नहीं बुना था तो चला तो हम अब ज्यादा बुनेंगे। जाकर हमारे दोस्त के अंदर किसी किस्म की कोई देखना है और मतलब से दोस्त हमारा जल चुका है। तो ये काफी अच्छे तरीके से भुन चुका है। तब में हम साथ में सारी चीजें काट रहे हैं और निहारी में डालने के लिए हम आटा भी ले आए हैं। तो अब इसमें हम पानी शामिल करते हैं। पानी हमारे पास खत्म हो गया, हमने जितना था सारा डाल दिया। तो चलो इंतजार करते हैं इसमें उबाल आ जाए, जब तक पानी मंगवा लेते हैं। उसमें तक मैंने पानी दिया, उसमें आटा गूंदना। बघार जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप पहले नहीं डाल रहे हैं प्याज तो बाद में तो आपको ला दिए खाती प्याज डाल।
ये देखें जी, प्याज हमारी कट गई है और हरी मिर्चें भी हमने तकरीबन काट ली थी, और ये एक दो बच्चे हो गए, ये भी काट लेते हैं अपनी, और फिर घोलते हैं अपना आटा और भगार की तैयारी करते हैं। आज जो है आपको भी आई पी सुनारी दिखाएंगे बना के। तो हरी मिर्चें भी हमारी कट गई है, लीमू वगैरह हम लोग खाते नहीं है ज़्यादा हमारे के अंदर। तो ये देखें, ये है हमारा सारा धनिया जो हमने अब इसको काटना है। तो सारा धनिया काट लेंगे क्योंकि हरी हमारी ज्यादा बनी हुई है, और ये हमारे पड़ोसियों ने हमें गोश्त जो है भेजा था तो वो बनाती नहीं है, तो उनको बनाना भी नहीं आती नहीं आती ना, तो उन्होंने कहा था बाजी आप बना लीजिएगा तो दोनों मिलकर खा लेंगे, तो आधी हम उन्हें भेजेंगे और आधी खाएंगे हम खुद। हमारे यहाँ तो सबको निहारी बहुत पसंद है, एक दिन बनती है तो दो दो दिन खाते हैं हम लोग। आटा अपना गोल लेते हैं पानी के अंदर, यहाँ पर हम डालेंगे 3 चम्मच के करीब आटा, उसको घोल लेंगे अच्छे तरीके से। शायद कटोरी हमारी छोटी है लेकिन हमें अच्छे तरीके से इसको मैश करना है। ये देखिए जी, मैंने आटे को अच्छे तरीके से घोल लिया है, अब उसकी डेले जो है वो खत्म करने हैं आपको, लम्स जो भी हो रहे हैं उसमें। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है आपको, ताकि हमारी निहारी के अंदर जो है गुठलियाँ ना हो जाए, क्योंकि वो चीज़ जो है काम खराब करती है। तो ये हमने अच्छे तरीके से बैटर अपना तैयार कर लिया है, और अब जो है हम अपना बैटर में डालते रहेंगे और उसे हिलाते रहेंगे। आप इस तरीके से ही बिल्कुल डालिएगा, थोड़े में नहीं डालते, और भी थोड़ा सा पानी हम इसमें और शामिल करेंगे। तो भी हिलाते हुए देख लेते हैं अपनी निहारी कितनी गाढ़ी है, तो मेरे ख्याल से 1 चम्मच हमें और डाल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा कम लग रहा है आटा। तो इसे भी हम पतला सा करके, तो डाल देंगे इसमें, इसको हम अच्छे से चलाएंगे। देख सकते हैं आप बिल्कुल अभी थोड़ी सी पकेगी है तो इसका बिल्कुल सही टेक्सचर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अपनी क्या पोजीशन है। तो चले हम नहारी के तड़के की तैयारी करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर रखते हैं घी डालते हैं, और नहारी के अंदर हम ये सब चीज़ें डाल देते हैं अपनी लवाशा, तो हरी मिर्चें हैं इसके अंदर डाल देते हैं सारी, और ये धनिया, और अब एंड में हम इसके अंदर तड़का तैयार करके डालते हैं। गरम मसाला आप लोगों को अगर खाना होगा इसको तो वो डाल लेगा, वरना जरूरत नहीं है क्योंकि हम इतना मसाले खाते नहीं हैं। ये बेहतरीन निहारी बनकर तैयार हो रही है। तो घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें प्याज भी शामिल करते हैं। प्याज हमारा गर्म हो गया है,
आपको ढूंढ लेते हैं वो, साथ में आपको चलाते रहते हैं, अगर आता है हमें कम लगा तो हम बाद में और डालेंगे। प्याज मशीन से हमारे लिए तैयार पर है, 1 मिनट और लगेगा। बीच की थोड़ी सी रह गई है कच्ची, अभी हम तड़का इसके अंदर डाल देते हैं। आ गया है। कैसा लगा आपको आज का?